मोनिकास डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि माइक्रोवेव में मटर को कैसे बॉईल किया जा सकता है। माइक्रोवेव में मटर को बॉईल करना बहुत ही आसान है, तो इसके लिए मैंने फ्रेश मटर लिए हैं 1 कप। तो इन्हें माइक्रोवेव में हम बॉईल करेंगे, इससे इनका कलर वैसे का वैसा ग्रीन ही रहेगा। तो इसके लिए ये मेरे पास मल्टीपर्पज़ कुकर है। तो ये माइक्रोवेव जब हम परचेज करते हैं तो साथ में ये कुकर भी परचेज करते हैं, तो इसी में हम इसको बॉईल करेंगे। तो ये कुकर कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर इस तरह से स्टीमर होता है। आधा कप पानी हम इस कुकर में डालेंगे। तो हमें पानी सिर्फ इतना ही डालना है कि वो स्टीमर के नीचे ही रहे, स्टीमर से ऊपर पानी ना आए। तो अब इस स्टीमर में हम मटर के दाने डाल देंगे। और फिर इसका ढक्कन लगाकर हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रो मोड पर हम 5 मिनट का टाइम सेट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अभी माइक्रोवेव को स्टॉप करेंगे और मटर चेक कर लेंगे। ढक्कन खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मटर का कलर वैसा का वैसा ही ग्रीन है और मटर बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अगर मटर के दाने थोड़े मोटे हों तो आप टाइम 1 से 2 मिनट ज़्यादा लगा लें। तो इस तरह से हमने माइक्रोवेव में मटर को बॉईल कर लिया है। तो अभी ये इन्हें किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, उपमा में, पोहा में, या फिर अपने किसी भी सब्जी के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप माइक्रोवेव की और कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल मोनिकास डीआईवाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।